हेलो नमस्कार, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होना फर्स्ट क्लास होगा। एक और नए व्लॉग में आपका सभी का स्वागत है। लिटरली बड़ी मुश्किल से जो है भाई मैं जिम आ पाया हूँ, बड़ी मुश्किल से पूरी प्रॉपर हिम्मत जुटा के जिम आ पाया हूँ। अब वही रूटीन की बात है, थोड़ा लेट सोया तो सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहा था, लेकिन हिम्मत कर कुरा के फिर भी पहुँची है। मैंने कहा चलो यार आधा घंटा ही करना, लेकिन करना जरूर है। बढ़िया से जो है एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हो गई है। अब बात करते हैं कुछ ज्ञान की बात जो है वो कोच ही करे तो बढ़िया है। और जैसे कि आपको पता है कि हमने और हमारे कोच मनोज चिक्का भाई ने एक थोड़ी छोटी सीरीज स्टार्ट की है। जैसे कि मैं डेली व्लॉग्स करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि साथ में जो है व्लॉग्स के साथ साथ आपको कुछ फिटनेस टिप्स जो है वो डेली कुछ ना कुछ आपको मिलती रहे, और बाकी जो है आपको भरपूर इन्फॉर्मेशन चाहिए। भैया का इंस्टाग्राम पेज है एक्स फैक्टर जिम के नाम से, तो आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी आपको अलग फिटनेस की जो है डिटेल्स आपको मिल सकती है। तो वेलकम भैया एक और बार हमारे छोटे से व्लॉग में। थैंक यू सो मच। और लास्ट टाइम जैसे हमने बात करी थी कि आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए, चाहे आप घर पे शुरू करो या आप जिम ज्वाइन करो, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। आज क्या टॉपिक होने वाला है भैया? देखिए पहला हमारा हो गया कि हमें वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे कि आपको रूटीन से डाइट लेनी है, अपनी टाइम पे डाइट लेनी है। आजकल क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे डाइट के बारे में बताते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं पहले एक की डाइट देख ली, एक हफ्ता नहीं फॉलो हुआ सही से तो दूसरे पे चले गए, फिर तीसरे पे चले गए। इस हिसाब से हम कभी भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आप किसी भी एक ट्रेनर या कोच को पकड़िए, उसकी डाइट को फॉलो करिए। तो मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, हमारी तीन डाइट होती है, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया और डिनर हो गया। इन तीनों की टाइमिंग पे आपको ध्यान देना है। आपकी जो बेसिक हमारे आयुर्वेद के हिसाब से जो टाइमिंग बैठती है वो ये है, अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो 9:30 बजे, अगर आप लंच करते हैं तो 1:30 बजे, आप डिनर करते हैं तो ठीक 7 बजे आपका डिनर हो जाना चाहिए। 7 बजे? 7 बजे क्या पॉसिबल है ये 7 बजे? क्योंकि जनरली हमारे घर में क्या होता है कि खाना बन रहा है 8:30, 9:30, 10 बजे खा रहे हैं, उसके बाद डायरेक्टली सो जा रहे हैं। तो 7 बजे का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, आप एक बार ये बता दो। देखिए आपका डाइजेशन जो है हमारे सूर्य के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। जैसे आप देखा होगा कि जब सूर्य हमारा उगता है, हमारा जो होता है जठगनी जो होती है हमारी, उससे क्या होता है डाइजेशन बहुत अच्छा होता है हमारा। जैसे अग्नि अच्छी होगी वैसे डाइजेशन अच्छा होगा। तो हम हमेशा बोलते हैं ब्रेकफास्ट में क्या करना है, आपको ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा करना है। ब्रेकफास्ट में दूध कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाना है, आपको एक्चुअल में रोटी चावल सब्जी खानी है, जो आपका लंच होता है प्रॉपर वो आपको खाना है। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। आपका ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए, लंच आपका सही होना चाहिए, और जो डिनर है वो होना चाहिए लिक्विड। उसका मतलब है आप एक ग्लास दूध ले सकते हैं। अब हर कोई बोलता है कि मैं लेट खा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ये बताऊंगा आपको कि अगर आप अपना ब्रेकफास्ट और लंच सही तरीके से कर लेते हैं तो आपकी रात की जो क्रेविंग होती है, घर आते ही घर पे खाना अच्छा मिलता है, आपको वो क्रेविंग नहीं उठेगी। ये बात सही बोली, हाँ बिल्कुल नहीं उठेगी, क्योंकि हम लोग क्या बिजी शेड्यूल है हमारा, तो जल्दी निकलना है ऑफिस में। बिल्कुल। फिर ऑफिस में क्या होता है कि हम ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहे हैं, लंच के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। सही बात है, वो रह जाता है कहीं ना कहीं। तो हम क्या करते हैं शाम तक तो हमारा तो तेज भूख लगती है, घर पे आए ऊपर से बढ़िया खाना, तो हम क्या करेंगे, फिर तो खाएंगे, फिर दबा के खाएंगे, दबा के। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उस टाइम पे डाइजेशन हमारा अच्छा काम नहीं करता है। सही बात है, खाना ही नहीं चाहिए, रोटी चावल सब्जी नहीं खानी है रात में, तो डाइट का बहुत बड़ा एक फर्क पड़ जाता है, बड़ा खेल है। तो यार मेरे लिए तो जब मैंने भैया से पर्सनली, अब मैं भैया से पर्सनल ट्रेनिंग तो ले ही रहा हूँ, और जब भैया इस रूटीन के बारे में बताते हैं कि मॉर्निंग और लंच का और जो हमारा इवनिंग की डाइट है वो किस टाइमिंग्स पे किस हिसाब से लेनी है और क्या लॉजिक है इसके पीछे, मतलब हम लोग तो बहुत सारी कहते हैं कि ये ऐसे ले लो वैसे ले लो, लेकिन लॉजिक बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो वो लॉजिक सुन के भी मेरे जो मिथ थे पुराने, जितने भी मैं लाइक नो 5-6-7-8 साल से जिम करते आ रहा हूँ, वो मिथ भी मेरे जो है ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे थोड़ा सा और एग्रेसिव हम जाएंगे अपनी ट्रेनिंग में, और आपको रिजल्ट भी आपको उसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो आई होप कि आपको ये टिप्स आज की जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो भैया इस ब्लॉग को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि क्या रूटीन सही होना चाहिए, और नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। चलो भाई बढ़िया टिप्स मिल रही हैं आपको रेगुलर। मिलते हैं आपसे अगले सीरीज़ में, बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में। ये देखो दो बेस्ट फ्रेंड मिल गई हैं, जल्दी से अपना अपना नाम बताओ। त्रिशा और अनाद्या।
बेस्ट फ्रेंड हो आप? हाँ। एक ही क्लास में? एक ही स्कूल नहीं, में नहीं, स्कूल अलग है, स्कूल अलग है। क्लास अलग है, स्कूल अलग है, फिर भी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। वाह, चलो बाय कर दो। बाय बाय। तो अभी फिलहाल एक फंक्शन में हम लोग जाने वाले हैं, प्राची और मैं बस रेडी होके जा रहे हैं, और भाई भाभी मम्मी और एकांश भी जा रहा है, पापा भी वहाँ पहुँच जाएंगे सीधे डायरेक्ट, किसी काम से बाहर जा रखे थे तो डायरेक्टली वहीं मिलेंगे। तो हमारे जाने का प्लान बन रहा है जनकपुरी। एकांश और मम्मी आ चुके हैं। क्या हाल है? ओ क्या हो गया? तो गाड़ी में आते ही हमेशा खुश हो जाता है। बोलो चाची। कपड़ा कल परे है मेरे पर। जी कहाँ है चाची? चाची कहाँ? तो चाची हम आज जा रहे हैं जनकपुरी में। तो आज हम जा रहे हैं जनकपुरी, तो हम जा रहे हैं एक फंक्शन में, जो हमारे बड़े ताऊ जी हैं उनकी जो सबसे छोटी बेटी है ज्योति दीदी, उनका जो है वो बेटा हुआ है, और उसके नामकरण में हम लोग जा रहे हैं। नामकरण है, नामकरण, नामकरण है, ज्योति का लड़का हुआ है ना, तब उसका नामकरण है। ठीक है, नामकरण तो हो गया, लेकिन पार्टी कर रहे हैं ना आज, पार्टी आज कर रहे हैं। पार्टी कर रहे हैं। ये देखो दुल्हन, दुल्हने, दुल्हने, दुल्हने है। तो अभी बज रहे हैं 5:30 और यहाँ से वसुंधरा गाजियाबाद से जनकपुरी जो है अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर दूर है। 1.25 घंटा बोलते हैं, 1 घंटा 15 मिनट को, 1.25 घंटा 1.5 घंटे के आसपास लग जाएगा। वैसा ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा, संडे है, बट स्टिल आजकल ट्रैफिक कहीं भी मिल जाता है। और भाई गया हुआ अभी लड्डू पैक कराने, दूसरा चक्कर जा रखा है वो। पहले चक्कर में वो पैक करके नहीं लाया, पहले चक्कर में वो पैक करके नहीं लाया, फिर दोबारा भेज दिया। आजकल एक नया फ्रेज चला है ना, तुम लड़कों को कॉमन सेंस का के भी नहीं है। कॉमन सेंस का के भी नहीं पता, सी नहीं, के क्या करें यार, अभी हमारे लड़कों में लड़कों को ज्यादा वो नहीं रहता है क्या, पैकिंग वैकिंग का उसका, और क्या करना है, क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। आंटी आंटी जी हेलो, थोड़ा चुप हो जाओ जरा, फोन में आराम से बात हो सकती है, लेकिन हेलो थोड़ा धीरे बात करो, दूर नहीं खड़े हो। जितने भी पहाड़ी आंटिया है वो सब इतनी तेज तेज क्यों, हेलो क्या सामने सामने बात कर रहे हो क्या, सामने बिल्कुल आधे 100 मीटर पे कोई खड़ा है, फोन पे आराम से भी आवाज चली जाती भाई, पर वो आवाज ही नहीं रहा ना, आवाज का खोल रहे होंगे। नॉर्मल भी तो ऐसी बात करते हो, नहीं वो दिन आवाज वो बीच में जो रुक नहीं रहा हो, और कॉन्सेप्ट ये रहता है कि कोई जितने जो जितना दूर है, मान लो यहाँ से कॉल पौड़ी लग रही है तो हेलो आवाज जितनी दूर का कॉल उतनी, हाँ उतनी दूर की आवाज चली जाए, मतलब उतनी तेज तेज तैयार नहीं हो रहा, अभी तैयार कर रहे हैं इसको, तैयार करना है इसको, हैं अभी तो ऐसे पहना रखे, 2 घंटे का सफर है। ओहो तैयार करेंगे भाई, टेंशन मत, तैयार करेंगे, हम गिर गए यार, थोड़ा रुकना पड़ रहा है, चलो यार। देखो आज हम पार्टी में जा रहे हैं, और ये कान है के कपड़े अभी वैसे है, अभी चेंज करेंगे ठीक है, और आज हम पार्टी में जा रहे हैं सारे, दोनों बहुए पीछे बैठी हैं, और एक लड़का पीछे बैठा, एक लड़का गाड़ी चला रहा है, और मैं आगे, लड़का लड़के ही है ना, किसी और के लड़के, और दादाजी आगे रास्ते से बैठेंगे हमारे साथ, है ना कहना, देखो दादाजी अभी अभी हम दादाजी को रास्ते से ले लेंगे ठीक है, और बाकी ऐसा है कि जब गाड़ी चलाते है ना तो समय से कैमरा नहीं रखना चाहिए आगे से, सही बात है बिल्कुल, हाँ ध्यान गाड़ी पे रोड पे चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए ठीक है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ अभी, क्योंकि ब्लॉगिंग रुकनी नहीं चाहिए, ब्लॉगिंग रुकनी नहीं चाहिए ठीक है, और बाकी आजकल बाकी यार बताओ, कुछ और वीडियोस नहीं आ रही आपकी और पहाड़ी भेजी के साथ में, क्यों नहीं आ रही हूँ, बिजी है क्या आप? मैं तो नहीं हूँ बिजी, मैं तो फ्री हूँ, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है आपसे वीडियो के लिए मम्मी।
पुला से नहीं जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं सीपी वाले रास्ते से, वाई इंडिया गेट होते हुए हम लोग जा रहे हैं। वो अभी गूगल मैप ने थोड़ा रूट जो है चेंज कर दिया, पहले बारापुला दिखा रहा था, ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है वहाँ पे लाजपत नगर की साइड, तो हमने अभी इंडिया गेट वाला रूट हमने ले लिया है। वेन्यू के बाहर पहुंच चुके हैं और सबसे पहला काम जो है इसको हमने ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है, बिल्कुल नया हो गया है, नया शर्ट, नई पैंट और अब चोटी बन रही है इसकी बढ़िया। जूते आ गए इसके, पाई के जूते आ गए, पाई के शेर 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 देखा इधर, देखा सामने, देखो ये किस पे गया, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग बता दो, मम्मी पे गया है या पापा पे गया है, देख लो लग तो मम्मी पे रहा है। फाइनली पहुंच चुके हैं तिलक वाटिका में, ये रहा वेन्यू आज का। नमस्ते करो, पैर छुओ, पैर पैर छुओ, दादी के पैर छुओ। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत जल्दी आ गए हैं, बहुत जल्दी आ गए क्या, हम जल्दी तो नहीं आए, लोग नहीं आए हैं बस। अच्छा टाइम लेट है, मेहमान टाइम पे है, मेजबान लेट है, हम टाइम पे है, बट क्या कुछ खाया नहीं। बड़े दाऊदी और भी आ गए हैं अभी, धीरू भाई भी आ गए, भाभी भी आ गई हैं, और भाई नमस्ते, दोनों मिल गए, भाभी नमस्ते, नमस्कार दाऊदी, नमस्ते दाऊदी, नमस्ते नमस्ते करो, नमस्ते अधीरा, हेलो बोलो व्लॉग में, हेलो बोलो। छोटी दुनिया च माया हमारी च साची, प्रेम किया डोरी होंदी बड़ी काची, ते मजू चा ते मजू चा। आप तो डाइट पे थे ना, पकड़ी गई, ऑयल फ्री है, सपनों में बन रहा है सब। जाजी जी, जाजी जी, जी नमस्ते, बहुत बहुत बधाई है सबको। मैं दोनों चीजों से दरखास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज, सावन चल रहे हैं, सावन सावन चल रहे हैं, सावन चल रहे हैं, सही बात है, सावन चल रहे हैं, चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। मंचूरियन आ गए, मंचूरियन खाएंगे पहले। ये देखो भाई, सारी जो है बुआरियां बैठी हुई हैं और लड़के काम पे लगे हुए हैं, ऐसे ही होता है भाई शादी के बाद, धीर भाई ऐसे ही होता है, देखो हाँ वो बंदा, एक बंदा बचा हुआ बस। मैं पी रहा हूँ सिर्फ पानी, जो मेरे कोच है जिम वाले, उन्होंने मना कर रखा है कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, ठीक है पानी, ठीक है। बहुत बहुत बधाई है आपको, ये है जी, है जी, और कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अभी तक 6-7 महीने थोड़ा स्ट्रगल रहेगी बच्चे के साथ, बट बहुत बहुत बधाई है आपको, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तू ही मेरो पराना, तू बिना ही दुनिया। हाय कर दो, कैसे हो आप? ठीक हो? दोनों बेस्ट फ्रेंड मिल गई हैं आपस में, बहने हैं, सॉरी बहने, सॉरी। आ चुकी हैं दीदी, और दीदी भी आ चुका है, हाँ बिल्कुल। ओह माय गॉड, हेलो, बहुत देर नहीं करती तुमने आने में। पापा भी आ चुके हैं फाइनली, कौन आ गया? हेलो करो, हेलो भाई, भाई हेलो भाई। फूलों पर शबनम की नमी है, रंगों की महफिल सी जमी है, मौसम भी मंजर भी मैं भी, कहते हैं बस तेरी कमी है, बागों में हम जो मिले तो गाए सारी कोयले, महके सारा ये जहां हवाएं महके सी चले, तेरी खुशबू से भर जाए कलियों के ये जाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। बहुत बहुत बधाई है दीदी को, और ये रहा बेबी बॉय वरदान, नाम क्या रखा? वरदान, क्या बढ़िया नाम है यार, करता नाम, हाँ बिल्कुल सूट करता है। चलिए दर्शन भी हो गए बच्चे के,
अरे मरी जालो मेरा, अरे मरी जालो मेरा, अरे गढ़ वाले ने बागे लगो, गढ़ वाले ने बागे लगो, बाग की वडेरा मेरा फाना बागरे, अरे बाग की वडेरा मेरा फाना बागरे, अरे मरी जालो मेरा, अरे मरी जालो मेरा, अरे गढ़ वाले ने बागे लगो, गढ़ वाले ने बागे लगो, बाग की वडेरा मेरा फाना बागरे, अरे बाग की वडेरा मेरा फाना बागरे। सबलुगो हल्दर साहब, सुखदर साहब, लेफ्टन साहब, कैप्टन साहब, सतड़ पतड़ परमेश्वर महाराज, लेंस डॉन का पीच मेरा फाना बागरे, अरे लेंस डॉन का पीच मेरा फाना बागरे, मेरा फोन फोन फोन, मेरा फोन फोन फोन, मेरा फाना बागरे, मेरा फोन फोन फोन, मेरा फोन फोन फोन, मेरा फोन बागरे। लंबी लाइन लग चुकी है यहाँ पे, पनीर वनीर नान वान रोटी वोटी सब कुछ है, तो खाने की तैयारी करते हैं। सारी लेडीज ने जो है दबा के खाना खा लिया है, क्योंकि कल हमने कुछ नहीं खाया है, आइसक्रीम, रसगुल्ले, नान, रोटी, पनीर सब कुछ है। क्यों कल फास्ट है आपका? इसलिए आपने कहा कि आज थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं। कल किस बात का फास्ट है? तुम्हारा ही फास्ट है क्या? है तुमने खा लिया दबा के? इतना तो खाया तुमने, चलो बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है? अथर्व। अथर्व पूरा नाम क्या है? अथर्व। तुम मेरे पास कितनी बार आ चुके हो? चार बार। क्या पूछने के लिए? मेरा नाम पहाड़ी वैली बोल दो क्या? मैंने तीन चार खा लूंगा एक साथ। अरे तुम बोलो पहाड़ी वैली सर्च करे यूट्यूब पर। क्या बेटा अब आप आओगे? बच्चे का नाम था वरदान। 28 जुलाई 2024 वेलकम टू नामकरण सेरेमनी। खाना खाने पे आना है मेरे, इस स्पेशल चाहिए। क्या 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 बनाया स्पेशल बताओ आप? राजस्थान मोटा अनाज खाती हूँ मैं। मोटा अनाज कुछ अच्छा टेस्ट? दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा खा लोगे? ठीक है देख लो, बोल दिया उन्होंने दीदी ने। ठीक है ठीक है, दाल बाटी चूरमा डन। चलिए भाई बढ़िया से जो है फंक्शन निपट चुका है और अब निकल रहे हैं घर की ओर। और बढ़िया था सब कुछ, अच्छा रहा। चलिए भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना है आपको। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।